पन्ना जिले के सालेहा थाना अंतर्गत एक गांव में लोमहर्षक घटनाक्रम सामने आया है। यहां पर एक युवक तथा युवती की गला रेत कर हत्या कर दिए जाने के बाद रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी के हालात निर्मित हो गए। घटना की जानकारी लगते ही गांव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं लोग उपरोक्त घटनाक्रम के पीछे प्रेम प्रसंग होने की बात कर रहे हैं। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा तथा उसके द्वारा घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद में संदेहियों की तलाश के लिए कार्यवाही की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर रात के बेड़ा है हुआ ना जाने कौन बेड़ा है वो लड़का उसकी मृत्यु हुई है। किस उद्देश्य के साथ बड़ा था कोई जानकारी मिल पाई है? जानकारी नहीं मिल पाई है, पलंग के तरे पर पड़ा मिलू है पर मिलो है तो फिर मैं देखूं या किसकी लाने हैं या कौन है तो वह आकर खोल के दे भगू है। फिर आज सुबह क्या हुआ है? फिर आज सवेरे कुछ नहीं भैया, लड़की का मैंने भेजा है कि नाश्ता बना ले तो ही स्कूल जाना है पेपर दें तो वह नाश्ता नहीं बना में लग गया है। अब मैं यहाँ तो वह करे लगी हूँ वही के खिचड़ी विचड़ी बना में लगी हूँ कि खा लाई हम वही कहा कि मंजन मुखारी कर ले और वह कर ले ड्रेस पहन ले और जाने हो तो जा और से वह दुपट्टा लगवाओ है ऐसे। कौन सी कक्षा में पढ़त रही लड़की है? नौवीं। कहाँ स्कूल? कहाँ? ये पटना स्कूल है। ये आज लगभग सुबह की घटना है और दो छोटे बच्चे हैं, दोनों का ही मर्डर हो गया है और अभी हम लोग इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे। मैं कुछ पहचान हो पाई है तक? दोनों ही चौधरी परिवार के हैं, सलेहा का गांव है इटवा करैया वहां के हैं और अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में। मृतक छात्रा के बयानों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रा तथा उपरोक्त युवक के बीच में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं परिजनों के अलावा कुछ अन्य ऐसे भी लोग होंगे जिनको यह पसंद नहीं था और उन्हीं के द्वारा यह हत्या किया गया है। पुलिस जांच में इस डबल मर्डर के जल्द खुलासे की उम्मीद ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।